हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोर फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि होने वाली है टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स 42 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस कोर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, परमानेंट कमीशन जॉब है ये या शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब होगी, कब से कब तक इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस तरह की कंडीशंस जो हैं वो उसके लिए आप एलिजिबल होना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें बता दूं मैं आपको, ये इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट है जो कि परमानेंट कमीशन के लिए हो रही है और इसमें आप डायरेक्ट ऑफिसर रैंक के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और इस कोर्स का नाम रहेगा टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स 42, जो कि कमेंस होगा जनवरी 2020 से और 10+2 बेस पे एंट्री होती है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है नोटिफिकेशन की मैं कि आप जो हैं वो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है और आप 10+2 एग्जामिनेशन पास होने चाहिए और 10+2 में आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और PCM जो है आपका कंपलसरी है। तो ये तीन सब्जेक्ट आपके 10+2 में होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी एज जो है वो 16.5 साल से लेके 19.5 साल के बीच में होने चाहिए। तो आप 16.5 से अगर 19.5 साल के बीच में आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज है वो होनी चाहिए 1 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 1 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2003 के बीच में आनी चाहिए। तो ये था आपका एज लिमिट। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 एग्जामिनेशन पास किया हो और 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो हैं PCM में आपके 70% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। तो PCM में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में और आपकी 10+2 जो है वो पास होनी चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपका जो हाइट एंड वेट क्राइटेरिया है उसके बारे में बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये पैरामीटर्स देख सकते हैं कि किस हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए और पर्टिकुलर जो एज क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका पर्टिकुलर हाइट के लिए कितना वेट होना चाहिए, ये इस ग्राफ में सारा बताया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है आपका हाइट एंड वेट क्राइटेरिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो वैकेंसीज जो हैं इस पोस्ट के लिए वो हैं 90 वैकेंसीज़ है इस TES 42 कोर्स के लिए। और इसमें जो आपको कमीशन दिया जाएगा वो परमानेंट कमीशन होगा, वो दिया जाएगा आपको सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ द कोर्स के बाद। तो 4 साल का आपका कोर्स होगा उसके बाद आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा और डायरेक्ट जो आपकी पोस्टिंग होगी वो इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट होगी। तो ये है टाइप ऑफ कमीशन एंड वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की कि इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए आपकी सिलेक्शन कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे इसके बेस पे आपकी जो कट ऑफ परसेंटेज जो है वो निकाली जाएगी। कट ऑफ परसेंटेज जो होगी आपकी 10+2 के बेस पे निकाली जाएगी और उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको डायरेक्ट SSB के लिए बुलाया जाएगा। जो SSB डेट्स हैं वो आपको जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in वहाँ पर जाके खुद सेलेक्ट करनी होगी। जो पहले बैच को सेलेक्ट करेगा उसको उस पर्टिकुलर च्वाइस के अकॉर्डिंग उसका बैच मिल जाएगा और उस डेट के लिए उसका SSB जो है वो आ जाएगा। तो पहले आपका जो है वो कट ऑफ परसेंटेज आएगा, फिर आपको मेल आएगा जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करके वेबसाइट में अपनी डेट ऑफ SSB चूज़ करनी होगी। उसके बाद आपको जो सिलेक्शन सेंटर होंगे जैसे कि इलाहाबाद है, भोपाल है, बेंगलुरु, कपूरथला, तो इनमें से एक में आपको जो है वो SSB के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपकी SSB होगी और जितने भी कैंडिडेट SSB में फाइनली क्लियर कर जाएंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट दोबारा से जो है वो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे डाली जाएगी। जो फाइनली उस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे वो कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे इस कोर्स के लिए। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो डायरेक्ट आपका किया जाएगा आपकी कट ऑफ परसेंटेज के बेस पे, फिर आपका SSB जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह का रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर।
अब बात करते हैं आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे ये लिंक दिखाया हुआ है www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे जाके आपको जो ऑफिसर लॉगिन होता है वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फिर जो आपका लॉगिन होगा उसमें जाके लॉगिन करके अपना अप्लाई ऑनलाइन पे जाके जो ये TES42 कोर्स होगा इसके सामने अप्लाई ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट जब हो जाएगी उसके 30 मिनट बाद आप इस फॉर्म का जो है प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। तो जब आप SSB के लिए जाते हैं तो ये जो प्रिंटआउट आपने निकालना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसकी एक कॉपी जो है वो SSB के लिए आपको लेके जानी होगी जो आपने प्रिंटआउट निकाला होगा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का। और उसके साथ साथ आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, 12th का सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट, ये जो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स बताए ऊपर मैंने इनकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, 20 आपके पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स। और कैंडिडेट जो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करनी है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स बाद में लेके जाने होंगे ये सिर्फ उन्हीं को लेके जाने होंगे वो जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जिनको मेल आएगी शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो ये था आपका प्रोसीजर कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अब मैं बता दूं आपको कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जिस डेट से लेके आप कौन सी डेट्स तक अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन हो रही है वो हो रही है 10 मई 2019 से। तो 10 मई से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं फिलअप होना, तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है इसको फिलअप करने की वो है 8 जून 2019। तो 8 जून 2019 से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो थी वो थी 10 मई 2019 और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो है 8 जून 2019। तो ये था गाइस आज की वीडियो में जिसे मैंने आपको बताया इस आर्मी की रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो नोटिफिकेशन आती हैं इंडियन आर्मी की उनकी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिल सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।